हेलो दोस्तों, आज मैं जियो जियो 5 बैटरी के बारे में आपको ये वीडियो सुनाने वाला हूँ। मैंने एक जियो 5 की बैटरी ऑर्डर किया था जियो 5 के लिए, तो इसके अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या कैसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो उसको देखते हैं। एक्चुअली मेरी पुरानी बैटरी जो जियो 5 की थी वो डेड हो गई है, तो मैंने एक न्यू बैटरी ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। ग्लीन नाम की कंपनी है जो डिलीवर करी है, बट ये काफ़ी सस्ता है, 300 का है, 389 के आसपास का। तो देखते हैं, इसमें पैकिंग इसकी अच्छी कर रखी है इन्होंने, काफ़ी रैप कर रखा है सेफ्टी के लिए, क्योंकि तो बैटरी काफ़ी डेंजरस होता है, तो इन्होंने काफ़ी इसको रैप कर रखा है। देखते हैं क्या है इनसाइड, जो मुझे चाहिए सेम बैटरी है या फिर अलग है। ओके, तो उनकी पैकिंग अच्छी है, कवर कर रखा है प्लास्टिक से, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है 3.7, लुक ये सेम बैटरी लग रहा है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही है ऊपर से। बाकी चीज़ें इसको ओपन करके देखते हैं कि क्या है अंदर, तो अंदर से भी क्वालिटी सही लग रहा, ऐसा नहीं है कहीं से फूला पिचका नहीं है, तो ठीक है, काफ़ी कुल मिला के सही दिख रहा है। और 2020 का मैन्युफैक्चरिंग है या थोड़ा सा बबल है इसमें, बट ये कोई बैटरी का नहीं है, ये ऊपर से सिर्फ जो लेमिनेशन स्टिकर है वो उसकी वजह से है, एयर की वजह से। तो ऐसी बैटरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं पुराने डिवाइस में इसको अभी ऐड करेंगे, इसको डाल चेक करते हैं इसमें डाल के, बाकी जितने पावर वोल्टेज सब कुछ है उसमें प्रॉपर मेंशन है, जितना हमारे जियो वाईफाई में बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी इसमें मेंशन है। और ये लगभग तो मैंने अपना ये पुराना जो बैटरी है, मैं इसको निकाल के इस जियो वाईफाई में से इसको रिप्लेस करूँगा, तो देखते हैं कि एक्चुअली ये आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल सिमिलर है। ये मेरा जो पुरानी बैटरी है 2007 की है, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप पास से देखें तो सब कुछ वही है, लिथियम आयन 8.7 और 2300 mAh की बैटरी है, 3.1। ओके, तो सब कुछ सेम है, बिल्कुल एवरीथिंग, दोनों ही मेड इन चाइना है बैटरी, तो सब कुछ सेम है। अब इसको हम एक बार निकाल के बैटरी से बैटरी निकाल के स्विच करके चेक करते हैं। ओके, तो ठीक है, देखते हैं इसमें, ये 2020 का है और ये 2070 में हुआ है, तो मैं इसको निकाल के जो हमने ऑर्डर किया था वो बैटरी प्लेस करता हूँ और देखते हैं कि क्या ये इसमें चार्ज है या किस तरीके से काम कर रहा है। तो हमें इसे अभी ऑन करता हूँ, और ये तो WS के लिए है। ओके, तो हम इसको भी एक बार ऑन करके चेक करते हैं कि किस तरीके से चलता है। तो फ्रंट से आप प्रेस करके भी ये ऑन हो जाता है डिवाइस, तो जैसे ओके, तो ये पुरानी बैटरी फुल पूरी तरीके से डेड है, ये काम नहीं कर रहा, आप देख रहे हो उसमें कोई भी लाइट नहीं जली थी, तो ये डेड है पुरानी बैटरी। और अभी हम इसके लिए नए वाली बैटरी हमने इसमें इंस्टॉल किया है, बहुत आसान है, इसको जस्ट आप ओपन करके और पुरानी जो फ़ोन होते हैं उसी तरीके से आप इसमें बैटरी को रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, मैंने इसे कवर को बंद कर दिया है और मैं इसको ऑन करता हूँ, देखता हूँ कि ये ऑन होता है कि नहीं। हाँ, अब ये ऑन हो रहा है, इन द प्रोसेस है ऑन में, तो देखते हैं कि इसमें बैटरी कितना है। ओके, ये फुल चार्ज है और ये देखिए प्रॉपर ऑन हो गया, मीन्स कि ये बैटरी सही है, इसका हेल्थ अभी यूज़ करने के बाद मुझे पता चलेगा और कि कितना बैकअप दे रहा है, क्या दे रहा है। ये बेसिकली मैंने अनबॉक्सिंग करके इस बैटरी को वीडियो किया, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आप जानना चाहते हैं कौन सा मॉडल है, आप जियो 5 में कौन कौन से वर्जन, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो या फिर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप इसको ज़रूर पूछिए, और लाइक शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या बैटरी बैकअप, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। मॉडल नंबर मैं कमेंट में डाल दूँगा, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कौन सा मॉडल हमने यूज़ किया है, और लिंक भी डाल दूँगा कि आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।